हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उर्सस ब्लॉग। ये देखिए एलिफेंट और वाटरफॉल्स देखने के बाद हम लोग मॉलिंग नाम का एससीएस का जो क्लीनेस्ट प्लेस है वो देखने के लिए रवाना हो पड़ी हूँ। On the way to Molingnam, cleanest village of world na? Asia. Asia arbiter. Acha. Cleanest village of Asia. बाहर मौसम बहुत ही सुहानी है। रिमझिम बारिश का साथ साथ सनसनाती हवा भी बह रहा है, ठंडी ठंडी हवा। और लॉन्ग ड्राइव में पहाड़ी रास्ता में अपना प्रियजनों का साथ जाना एक बहुत ही रोमांटिक ट्रिप बोल सकते हैं। बाहर की नजारा देखिए कितना खूबसूरत है। पूरा बादलों से घिरा हुआ है आकाश और नीचे देखिए धरती पे पूरा हरियाली। रिमझिम बारिश और बीच बीच में अम्ब्रेला लेके एक दो आदमी भी दिखाई दे रहा है। सुंदर सुंदर घर हिल स्टेशन में, सुंदर सड़कें। ओवरऑल ये एक सीनिक व्यू है, सीनिक व्यू का पैकेज है बोल सकते हैं। पहाड़, सुंदर रास्ता, हरियाली, सुहानी मौसम सोच के ही एकदम बहुत अच्छा लगता है। कितना रोमांटिक मौसम है, रोमांटिक दिन है आज का दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ चलते रहिए। चलिए आज आप लोगों को हम लोगों का साथ मॉलिंगनम विलेज दिखाएंगे। ये एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कहा जाता है और साथ साथ शिलोंग से मॉलिंगनम तक रोड कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, बाहर का व्यू कैसा है, इसका नज़ारा का ये नज़ारा का लुफ्त भी उठा लीजिए। Got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes. वो ये टर्निंग देखिए कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसा कोई हॉलीवुड मूवी का एक सीन है। मेरी मानना है कि खूबसूरत जगह देखने के लिए विदेश जाने का क्या जरूरत है, इंडिया में ही इतना खूबसूरत जगह है। थोड़ा इधर उधर खुशखबर लेके इधर उधर घूमने से ही बाहर से भी फॉरेन से भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू वाला जगह इंडिया में ही मिल जाएगा। जैसे कि ये शिलोंग का ये एग्जैक्टली ये पॉइंट ही देख लीजिए, मॉलिंगनम जाने वाला इस रोड का कितना खूबसूरत है। बॉलीवुड का कोई मूवी इससे मतलब मूवी से 10 गुना ज़्यादा सुंदर है ये। वाओ वाओ वाओ, क्या सीन है, इतना डांस फॉग गिरा है देखिए फ्रेंड्स।
ऐसे लग रहा है हम लोग धुंध में समा जाएंगे, धुंध में विलीन हो जाएंगे, ऐसे लग रहा है। वाओ क्या पिक्चर्स की व्यू है, ये तो एकदम हेवन जैसा लग रहा है। धुंध इतना डेंस था कि हम लोग को हेडलैम्प और फॉग लैम्प सभी ऑन करने पड़ा। इनफैक्ट ऑन रोड जितना भी व्हीकल्स था, जितना भी गाड़ियां था, सभी ने हेडलैम्प और फॉग लैम्प ऑन करके ही ड्राइविंग कर रहा था। बीच बीच में धुंध इतना गहरा था कि इतना डेंस था कि रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारे लाइट ऑन करने के बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदाजा में ही कुछ सेकेंड्स तक गाड़ी चलाने पड़ रहा था। ये एरिया का व्यू एकदम मैजिकल था। कुछ ऐसा लगता है कुछ सेकंड के बाद रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद एकदम डेंस फॉग दिखाई देता है। ये देखिए साइड में इतना डेंस फॉग है, रास्ता क्लियर है लेकिन नीचे देखिए कितना 1000 फीट ऊपर में हम लोग है अभी, और नीचे में देखिए कितना डेंस फॉग है। ये देखिए साइड साइड में कुछ भी दिखाई नहीं देता है लेकिन रास्ता तो क्लियर था। एकदम मैजिकल ये ट्रिप था, मैजिकल वेदर था। शिलांग से माउलिंगनंग जाने का रोड बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा है, बहुत ही एडवेंचरस है। वेदर का कोई मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, अभी डेंस फॉग आ जाता है, अभी रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप था ये। फ्रंट सीट में हस्बैंड बैठा है और वो बाहर का व्यू देखते देखते मतलब वीडियो करना भूल ही जाते हैं, फिर इसको थोड़ा आवाज जोर से लगा के बोलने पड़ता है यहाँ पे भी ले लीजिए वीडियो। मैं हूँ कि एकदम बाहर की एक सेकंड का व्यू भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, और हस्बैंड है कि वो बाहर का व्यू देखते देखते मतलब कैमरा उठाना नहीं चाहते है, वीडियोग्राफी करना ही नहीं चाहते है। और ऐसे में हम लोग का बीच में टॉम एंड जेरी का वो सीन याद आ जाता है कि वो लोग खटुक खटक लगते रहते हैं, हम लोग का भी कुछ सेकंड सेकंड बाद उनको याद दिलाना पड़ता है कि इसका वीडियो ले लीजिए, उसका वीडियो ले लीजिए। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise, but is it even there to find? Is there a chance for me to clean your memories? Will I slowly lose my mind? ऐसे ही बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेके हम लोग मॉलिंगनम तक चलते रहे। बीच बीच में कोई रोड साइड टी हाउस मिलने से हम लोग वहाँ पे एक दो मिनट रुक के टी वगैरह चाय कॉफ़ी पी के थोड़ा रिफ्रेश होके फिर चलना शुरू करते हैं। देखिए ये व्यू फ्रेंड्स, एकदम कोई बॉलीवुड मूवी का सीन का जैसा लग रहा है ना। ये एकदम मतलब आपको बोल के मैं वो नहीं कर पाता हूँ डिस्क्राइब कि कितना खूबसूरत है। कैमरा में जितना सुंदर लग रहा है ना, रियल में देखने में इससे भी बहुत सुंदर है। आप लोग एक बार जरूर 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 नॉर्थ ईस्ट घूमने जाइए। इंडिया में रहकर अगर नॉर्थ ईस्ट नहीं घूमा तो क्या इंडिया देखा आपने, लाइफ एक बार ही मिलता है। टूर्स एंड ट्रेवल्स करना चाहिए, ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, एक जगह में बैठ कर बड़ा बड़ा घर बनाना, सिर्फ खाना पीना का जुगाड़ करना वही नहीं है। एक छोटी सी जिंदगी में जितना हो सके हम लोग का ये छोटा सा जो सराउंडिंग्स है, स्टेट्स से सराउंडिंग स्टेट्स, वो सब देखना चाहिए। भले ही हम लोग विदेश जाना एफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अपना देश को तो देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है हम लोग का देश में, कितना विभिन्नता है,
कितना डाइवर्सिटी है, कितना डाइवर्सिटी में भी कितना यूनिटी और ब्यूटी है, वो सब जरूर एक बार लाइफ में देखने का कोशिश करना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मेघालय का मोलिंगनम विलेज आ पहुँचे हैं। कितना खूबसूरत है, खूबसूरती का साथ साथ मेन बात ये है कि ये देखिए एकदम क्लीन विलेज है। पूरा सराउंडिंग देखिए कितना पेड़ पौधे से भरा है, लेकिन रास्ता में एक भी आपको सड़ा हुआ पत्ता गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये विलेज वाला बहुत ही उन लोग को क्लीनलीनेस के प्रति बहुत ही अवेयरनेस है। उन लोग कोई भी पत्ता उत्ता गिरने से या कुछ भी कचरा गिरने से वो लोग फट से साफ कर लेते हैं, और जगह जगह में देखिए वो लोग डस्टबिन लगा के रखा है। पार्किंग प्लेस पे गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग, ये छोटा सा ही विलेज है, उसको देखने का वो कोशिश किया। इधर उधर थोड़ा चल के, पैदल पैदल चल के देखा कैसा है क्या है। इतना पेड़ पौधा होने के बाद भी इतना क्लीन है, आपको क्या बताऊं। चलते चलते थोड़ा थक गया तो रोड साइड बेंच में बैठ के वो कर ले। ये देखिए नीचे इतना बड़ा झरना है, और ये जो लंबा लंबा पेड़ दिख रहा है ये कुछ कच्चे सुपारी का पेड़ है, और कुछ एक्सपेंसिव वुड का ये पेड़ है। जैसे कुछ टीक वुड दिखाई दिया, कुछ शाल, हम लोग आसामीज में साल काठ बोलते हैं, शाल वुड दिखाई दिया, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। नीचे में कुछ भी सड़ा गला हुआ पत्ता पुत्ता आपको दिखाई नहीं देगा, या लकड़ी का ब्रांच गिरता हुआ दिखाई नहीं देगा। शायद ये लोग कुछ गिरने से साफ कर लेते होंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही एकदम साइलेंट, एकदम ट्रैंक्विल साइलेंट यहाँ पे विराजमान है। मन को बहुत ही सुकून मिलता है, एकदम पीस मिलता है। यह है जगह का नाम मोलिंगनम। कभी कभी यहाँ पे रहने वाला लोकल लोगों के प्रति मेरा जलास भी फील होता है। उन लोग को इतना सुंदर और सुकून वाली जगह में रहने को भगवान ने वरदान दिया है, और हम लोग देखिए शहर का भीड़ भाड़ में बस खाना पीना जुगाड़ करते जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। थोड़ा घूमने फिरने के बाद हम लोग पास में ही एक रेस्टोरेंट है, विलेज रेस्टोरेंट, वहीं पे गया। सभी लोग बस वो एक लोटा रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं, हम लोग भी लंच के लिए वहाँ गया। वो देखिए मेनू चार्ट वॉल में टंगा हुआ है, और ईच एंड एवरी मेनू का अगेंस्ट में प्राइस भी वहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही मिनिमल प्राइस था, अफोर्डेबल एंड मिनिमल, और खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था और टेस्टी भी खाना था। भले ही बेसिक सा खाना था लेकिन बहुत ही टेस्टी और नीट एंड क्लीन था। ये देखिए पूरा विलेज वाला का कोविड के लिए कितना अवेयरनेस है, वो लोग वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूकता जगाने के लिए वहाँ पे बैनर लगा के रखा है, पोस्टर लगा के रखा है। ये हार्ट सा बना हुआ है, हार्ट का अंदर में हम लोग बैठ के खाना तय किया। हाथ का अंदर में जो बेम्बू का पोस्ट था, पिलर था, उसमें देखिए कितना लाइकेन लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो ड्राई लाइकेन से वो सजा के रखा है। मुझे मेरा स्कूल डेज याद आ गया, जब हम लोग 11-12 में था, मैं साइंस स्टूडेंट था, तो हम लोग ऐसे बोटानिकल जो ट्रिप होता था, एक्सकर्शन ट्रिप, उसमें से बहुत सारा हम लोग स्पेसिमेन कलेक्ट करता था। उस टाइम हम लोग ऐसे ड्राई लाइकेन भी कलेक्ट करने का वो दिन याद आ गया। सराउंडिंग्स का जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ही खूबसूरत है, वो देख देख के आपका मन नहीं भरेगा, मतलब और देखूं और कुछ टाइम रुक जाऊं, इस टाइप से लगता है। ये देखिए हम लोग का खाना आ गया है, आलू का सब्जी है, भिंडी फ्राई है,
ये हम लोग एक चिकन का रेसिपी लिया है, एक का रेसिपी लिया है, कुछ फिश का भी रेसिपी लिया है। हम लोग चारों में से चारों का अलग अलग चॉइस है। बेटा फिश नहीं खाता है, भिंडी का सब्जी नहीं खाता है, उसको सिर्फ एग ही पसंद है। उसका कजिन ब्रदर रॉन, उसको भी एग पसंद है। फिर हम लोग खाना वाना खा के थोड़ा टहल के इधर उधर फिर रिटर्न जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग नाम का बार हम लोग चेरापूंजी जाएंगे। इसीलिए फटाफट विलेज छोटा था, फटाफट देख के हम लोग चेरापूंजी निकल जाने को ही बेहतर समझा। सरसराती हवा का आवाज़ आप लोग का जरूर सुनाई दे रहा होगा। ये साउंड मैंने म्यूट नहीं किया, क्योंकि ये साउंड का मुकाबले जो भी म्यूजिक आप लगाए वीडियो में वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। जो नेचर का साउंड होता है, नेचर का लाइट होता है, वो कितना खूबसूरत है। इसलिए मैं उसको कंटिन्यू किया, वो साउंड मैंने म्यूट नहीं किया। उसका एक अलग सा मजा है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं चेरापूंजी में क्या क्या देखा वो लाने का कोशिश करूंगी। आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल उसस ब्लॉग को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स। Since my head got cut in time.